देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 33,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना केस का कुल आंकड़ा 31,052 हो गया है, जबकि कोरोना से देश में अब तक 1,074 लोगों की मौत हो चुकी है। 8,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है, तो वहीं दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए गुजरात दूसरे नंबर पर है, तो वहीं तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है। लगातार देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,000 के पार हो गई है। देश में अब तक कोरोना से 1,074 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 8,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश में सबसे प्रभावित महाराष्ट्र राज्य है, उसके बाद गुजरात और फिर देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह। जी प्रीत, क्या कुछ अपडेट है? देश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अब ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से लगातार नई और नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, नई गाइडलाइंस दी जा रही है। जी केंद्र सरकार की ओर से जरूर ये संकेत दिया गया है कि अब 4 मई को जो नई गाइडलाइन जारी होगी उसमें तमाम जो लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, छात्र हैं, प्रवासी हैं, श्रमिक हैं, पर्यटक हैं, तमाम वो लोग उनको अपने अपने राज्यों में लाया जाएगा। इसी मुहिम को शुरू कर दिया है दिल्ली सरकार ने। तमाम जो दिल्ली में रह रहे पर्यटक हैं, श्रमिक हैं, उनके टेस्ट किए जाएंगे और उनको उनके राज्यों में भेजने के लिए दोनों ही जिस भी राज्य से वो आए होंगे उस स्टेट से संपर्क करने की कोशिश शुरू की जा रही है। हालांकि हॉटस्पॉट जरूर कम हो गए हैं देश भर में, तो इससे तमाम जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट नहीं है और ज्यादातर इलाकों में लोग जा सकेंगे अपने अपने राज्यों की ओर। जी जी, देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। देश में अगर बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात के बाद में दिल्ली का ही नंबर आता है। जी बिल्कुल, दिल्ली का नंबर आता है। 125 नए मामले आए हैं 24 घंटों में और 3,400 के आसपास पहुंच चुका है जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनके उनका मामला। तो 56 लोग जो है अब तक दिल्ली में मौत हो चुकी है कोरोना पेशेंट्स की। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि जो ग्राफ है दिल्ली सरकार में पेशेंट्स का ठीक होने का वो जरूर बढ़ता जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से इलाज किया जा रहा है दिल्ली में और अन्य राज्य भी इसे एक एक करके अपना रहे हैं और इससे जो मरीज है वो ठीक हो रहे हैं। अब तक जो है 10 से 15 पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू कर दिया गया और जल्द से जल्द ये ठीक हो जाएंगे। जी। किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला हो प्लाज्मा थेरेपी से जिन लोगों का इलाज किया जा रहा है दिल्ली में, उनमें किसी प्रकार की कोई शिकायत की बात सामने आई है अभी तक? देखिए जरूर एक दो पेशेंट्स में ये शिकायत टूट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद उस पर भी टेस्ट किया जा रहा है कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको किस तरीके का एक एज ग्रुप का प्लाज्मा दिए जाने की बात की जा रही है। अगर जो लोग बूढ़े हैं तो उनको जो पेशेंट्स बूढ़े जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो गए हैं उनके प्लाज्मा दिए जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों एक सामने मामला आया था कि एक जो मरीज थे उनको यंग व्यक्ति का प्लाज्मा दिया गया, इससे कहीं ना कहीं मिसमैच की बातें आ रही हैं। तो ये जो चीजें हैं इसको डॉक्टर्स की मदद से ठीक किया जाएगा, बाकी अन्य राज्यों में भी इसे अपनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह, जिन्होंने अपडेट दी देश में किस प्रकार के हालात हैं और चिकित्सा महकमा किस प्रकार से कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने में जुटा है।